और अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 11 बजे कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीयते उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई होगी। ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दायर की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है। कुछ दिन पहले ही यूपी में एक मामला सामने आया था, जहां 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद आरोपी मोहित खान और नौकर राजू खान के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया था। पुलिस ने आरोपी मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया था। बाद में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। राजस्थान के उदयपुर में जिस छात्र ने अपने साथी को चाकू मारा था, उसके घर को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया था। उदयपुर में ये वही मकान है जिसमें आरोपी 10वीं का छात्र अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। मकान मालिक राशिद ने पूछा कि आखिर किराएदार की गलती पर उसका मकान गिराना कहां तक सही है। उसकी शिकायत है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से वो अधिकारियों के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाया। किराएदार को सजा दो, उसको सजा भुगतने के लिए तैयार आदमी, दूसरों का मकान को तोड़ रहा, उसको फांसी दे दो, दूसरों का मकान को तोड़ रहा। मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये किराएदार है, मतलब मकान आपका, मकान मेरा।